बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें, हाल ही में एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था, जिसे लेकर खुद अनुराग कश्यप ने भी ट्वीट किया था। हाल ही में अनुराग कश्यप को लेकर उनके पूर्व असिस्टेंट जयदीप सरकार ने भी खुलासा किया है। जयदीप सरकार ने बताया कि एक एक्ट्रेस ने अनुराग कश्यप से कास्टिंग काउच के बदले काम मांगना चाहा था, जी हां, जिस पर डायरेक्टर काफ़ी उदास हो गए थे। इस बात को लेकर जयदीप सरकार ने ट्वीट पर ट्वीट भी किए हैं, जो सबका खूब ध्यान भी खींच रही है। जयदीप सरकार ने अनुराग कश्यप के बारे में बात करते हुए लिखा, वो कहानी बताने का बिल्कुल सही समय है। मैं 2004 में अनुराग कश्यप का असिस्टेंट था। हम गुलाल की कास्टिंग के लिए एक्टर्स से मुलाकात कर रहे थे। हम गुलाल के कास्टिंग के लिए कुछ एक्टर्स से मुलाकात कर भी चुके थे। तभी एक यंग एक्ट्रेस जो फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थी, उसने अनुराग से मिलने की बात की। अनुराग भी अपना काम खत्म कर उससे मिलने के लिए तैयार हो गए। उस एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच के जरिए ही काम मिलने के तरीके को मान लिया, लेकिन जब अनुराग ने इस चीज़ को अनदेखा करना चाहा तो एक्ट्रेस ने साड़ी का पल्लू भी गिरा दिया। जी हाँ, अनुराग कश्यप को लेकर जयदीप सरकार ने आगे लिखा, इस बात पर अनुराग खड़े हुए और एक्ट्रेस से ये सब ना करने का अनुरोध किया। उन्होंने एक्ट्रेस से कहा कि अगर वो रोल के लिए फिट होंगी तो वो फिल्म का हिस्सा ज़रूर बनेंगी। इस बात को कहकर अनुराग कमरे से बाहर चले गए। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। बाद में अनुराग ने मुझसे कहा कि ये सब देखकर वो हैरान रह गए कि युवा महिलाओं को लगता है कि काम मांगने का ये एकमात्र तरीका है जिसे वो अपना सकती है। जयदीप ने आगे लिखा, मैं उस महिला को दोष नहीं दे रहा हूँ। उनके जैसे कई लोग इंडस्ट्री में आते हैं और ये मानते हैं कि इसी के जरिए वो फिल्मों में आ सकते हैं, और ये सच हो भी सकता है दूसरी फील्ड में, लेकिन अनुराग के साथ काम करके मैं ये कह सकता हूँ कि कास्टिंग के मामले में वो महिलाओं का काफ़ी सम्मान करते हैं। तो आपका क्या कहना है अनुराग कश्यप के लिए जयदीप सरकार के इस बयान पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एंड लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।